वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो थ्योरी ऑफ मशीन के शॉर्ट शॉर्ट रिवीजन सेशन में आप लोग का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे गियर ड्राइव्स का एक लेक्चर वन हम लोगों ने देख लिया है। आज लेक्चर टू को हम कंप्लीट करेंगे। जब हम गियर ड्राइव की बात कर रहे थे तो हमने स्टार्टिंग में देखा था, हमने क्लासिफिकेशन समझा था, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे थे और हमने लास्ट में हम लोग आ पाए थे कि उसकी टर्मिनोलॉजी वगैरह क्या है, बेसिक टर्म्स क्या हैं, जिसके बेसिस पे आप छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा और यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ कि जब भी हम कोई गियर डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है लॉ ऑफ गियरिंग की, कि गियर का लॉ जो है वो क्या कहता है। तो आपको याद होगा लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई दो पिस सर्कल आपस में इस तरह से मीट करते हुए चलते हैं तो यहाँ पे होता है उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और जहाँ पे से हर गियर का एक बेस सर्कल मानते हैं हम लोग, वो होता है उसका मिनिमम सर्कल, जिसपे क्या होता है, जिसके बाद जो टूथ का प्रोफाइल है वो शुरू होता है। तो उन बेस सर्कल से एक कॉमन नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं। वो कॉमन नॉर्मल जो है, जरूरी नहीं है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ही हर समय होगा, वो कॉमन नॉर्मल कहीं भी होता है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होती है हमारा कॉमन टेंजेंट। दिस इज द कॉमन नॉर्मल विच इज नॉर्मल टू द बेस सर्कल, ठीक है ना, और एक पॉइंट। अब बात यह है कि यहाँ पे अगर हमारा सेंटर टू सेंटर अगर मैं मिलाऊँ तो सेंटर टू सेंटर जो है वो कहीं यहाँ पे टच कर रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को और यहाँ पे टच कर रहा है कॉमन नॉर्मल को। तो याद रखिएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम क्यू बोल देते हैं और कॉमन नॉर्मल को जहाँ कट करता है उसे हम पी बोल देते हैं। तो आपको एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि ये पी जो है ये कहलाता है पिच पॉइंट, ये पी जो है ये कहलाता है पिच पॉइंट, और ये पिच पॉइंट ही वो पॉइंट होता है। देखिए क्यू जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चलेगा, उसके दौरान वो क्यू जो है वो एक बार इस पिच पॉइंट से भी पास होगा, ठीक है ना। वैसे इसका डायग्राम थोड़ा डिफरेंट सा बनाते हैं। अगर मैं बुक वाला आपको डायग्राम बताऊं कि आप बुक से अगर कंपेयर करना चाहें तो कुछ इस तरह का डायग्राम आप देखते हैं, मतलब टूथ का हम एक पीस ऑफ टूथ, गियर का एक पीस लेके चलते हैं। तो आपने इस तरह का डायग्राम जर्नी देखा होगा कि इस तरह का दो गियर के पीस लेके चलते हैं, एक ये और एक ये, इस तरह से इसलिए करते हैं ताकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ दिखाई दे और सेंटर लाइन यहाँ दिखाई दे। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान लीजिए क्यू है और ये सेंटर लाइन दोनों को टच करने वाली ये है, ठीक है ना। अब दोनों के बेस सर्कल से पास होने वाला पॉइंट जो है वो कुछ इस तरह से है, ये कॉमन टेंजेंट है और ये कॉमन नॉर्मल है। तो अब आप देखोगे कॉमन नॉर्मल कॉमन टेंजेंट को कहाँ कट, सेंटर लाइन को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे पी, दैट इज कॉल्ड पिच पॉइंट। तो आपको सिंपली याद रखना है कि जब भी किसी भी गियर को हम मेटिंग करेंगे तो वो एक परफेक्ट गियर तभी कहलाएगा जब वो एक एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो देता है, मतलब ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू जब कांस्टेंट रहता है तो वो एक परफेक्ट गियर रेशियो कहलाता है, और वो कांस्टेंट तभी रहेगा जब ये रेशियो किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर आएगा। तो वही हम इसमें प्रूव करते हैं। तो इसका सिंपल सिंपल सा स्टेटमेंट क्या निकल के आता है लॉ ऑफ गियरिंग का, कि फॉर मेटिंग गियर, जो भी गियर आपस में मीट कर रहे हैं उसका कॉमन नॉर्मल, दी कॉमन नॉर्मल शुड ऑलवेज पास थ्रू दी पिच पॉइंट। कॉमन नॉर्मल जो है वो हमेशा पिच पॉइंट से पास होना चाहिए। जब तक ये कॉमन नॉर्मल पिच पॉइंट से पास नहीं होगा, समझ लीजिए गियर सही से मूव नहीं करेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या जाता है, एट पिच पॉइंट प्योर रोलिंग ऑफ गियर अकर। तो याद रखिएगा पिच पॉइंट पे गियर में प्योर रोलिंग होती है, मतलब कि जब क्यू पॉइंट पिच पॉइंट पे आएगा तो उस टाइम पे प्योर रोलिंग होगी। तो मतलब गियर को सही से मोशन करने के लिए पिच पॉइंट पे आना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए गियर का सीधा सीधा नियम क्या हो जाता है, द लॉ ऑफ गियरिंग इज दैट द कॉमन नॉर्मल शुड ऑलवेज पास थ्रू दी पिच पॉइंट। तो यहाँ पे याद रखिएगा एट पिच पॉइंट प्योर रोलिंग ऑफ गियर शुड अकर एंड बिफोर एंड आफ्टर पिच पॉइंट, पिच पॉइंट पे आने से पहले और पिच पॉइंट पे आने के बाद देयर इज ओनली स्लाइडिंग ऑफ गियर। तो याद रखिए पिच पॉइंट में आने से पहले और पिच पॉइंट में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ स्लाइडिंग होती है गियर्स के बीच में। तो आपको ध्यान रखना है कि गियर में जब भी हम लोग पढ़ें
तो आपको सिंपल सा पूछ जाता है मोशन इन्वॉल्व इन गियर, है ना। कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मोशन इन्वॉल्व इन गियर, गियर में किस तरह का रिलेटिव मोशन होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे स्लाइडिंग भी होती है और रोलिंग भी होती है, तो इसलिए आंसर रहता है पार्शियली स्लाइडिंग एंड पार्शियली रोलिंग। ठीक है, तो आंसर रहता है कि थोड़ी स्लाइडिंग होती है थोड़ी रोलिंग होती है, और जब सिर्फ रोलिंग पूछे कि रोलिंग कहाँ होती है तो याद रखिएगा एट पिच पॉइंट, पिच पॉइंट पे रोलिंग होती है। तो इसीलिए पिच पॉइंट से पास होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको परफेक्टली रोलिंग करानी, नहीं तो सिर्फ स्लाइडिंग होती रहेगी, और इसी स्लाइडिंग की वजह से जो गियर है चलते हुए हीटअप भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को एक प्रॉपर लुब्रिकेंट यूज़ करना पड़ता है गियर्स के मोशन के साथ। ठीक है ना, तो ये है हमारा सिंपली द लॉ ऑफ गियरिंग। अब बात आती है कि इस लॉ ऑफ गियरिंग को कैसे हम अचीव करें, हाउ टू अचीव दिस लॉ ऑफ गियरिंग। ठीक है ना, किस तरीके से हम इस लॉ ऑफ गियरिंग को अचीव कर सकते हैं, मतलब हमारा ये नियम फॉलो हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो उसके लिए हम प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं कि किस तरह के दो प्रोफाइल ऐसे हों जिनके टकराने से आपस में इस तरह का जो है सिचुएशन क्रिएट हो रही हो। तो ये प्रोफाइल आते हैं गियर शुड हैव कॉन्जुगेट प्रोफाइल, ऐसे प्रोफाइल को हम कॉन्जुगेट प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है ना, क्यों हम कॉन्जुगेट प्रोफाइल बोलते हैं ये सब मैंने डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स में समझाया है। ठीक है ना, कि कॉन्जुगेट प्रोफाइल क्यों बोला जाता है, कहाँ से ये चीज़ दिमाग में आई। तो कॉन्जुगेट प्रोफाइल हम लोग बोलते हैं, और कॉन्जुगेट प्रोफाइल हमारे दो तरह के होते हैं गियर में, दो तरह के प्रोफाइल हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल भी कॉन्जुगेट प्रोफाइल है, और एक होता है हमारा साइक्लॉइडल प्रोफाइल, साइक्लॉइडल प्रोफाइल भी हमारा कॉन्जुगेट प्रोफाइल होता है। तो इसीलिए गियर में टूथ भी दो ही तरह के होते हैं, इन्वॉल्यूट टूथ और साइक्लॉइडल टूथ। आइए अब इस इन्वॉल्यूट और साइक्लॉइडल टूथ के बारे में बात करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं हमारे दो टूथ प्रोफाइल की। तो मैं डिफरेंस के तौर पे आपको सारे पॉइंट बता दूंगा। इन्वॉल्यूट टूथ प्रोफाइल एंड योर साइक्लॉइडल टूथ प्रोफाइल। जब हम बात करते हैं इन्वॉल्यूट टूथ प्रोफाइल की, तो इन्वॉल्यूट टूथ प्रोफाइल कैसे बनता है, सबसे पहले तो इसके फॉर्म पे बात करें, प्रोफाइल किस तरह का होता है। तो याद रखिएगा व्हेन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट स्टिक रोल्स ओवर द स्मॉल सर्कल, व्हेन अ स्ट्रेट लाइन रोल्स ओवर द स्मॉल सर्कल, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं व्हेन वी अनरैपिंग ऑफ वूल फ्रॉम द वॉल। तो जब हम किसी गोले से ऊन को जो है अनरैप करते हैं तो भी ये हमें इन्वॉल्यूट टूथ प्रोफाइल मिलता है। ठीक है ना, तो मैंने डिस्क्रिप्टिव लेक्चर में ये भी बताया था कि अनरैपिंग किसे कैसे है, क्यों करते हैं हम अनरैपिंग, अनरैपिंग से टूथ प्रोफाइल कैसे मिल सकता है, तो ये आइडिया कहाँ से आया वहाँ हमने डिस्कस किया था। ठीक है ना, तो अनरैपिंग ऑफ हमारा वूल से भी हम लोग इसे समझते हैं। तो जनरली हम क्या बात कर रहे हैं कि जब किसी सर्कल के ऊपर कोई स्ट्रेट लाइन को हम रोल करते हैं तो हमें इन्वॉल्यूट टूथ प्रोफाइल मिलता है जो कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का प्रोफाइल होता है। और जब हम साइक्लॉइडल की बात करते हैं तो व्हेन अ स्मॉल सर्कल प्योर रोल्स ओवर, ठीक है ना, प्योर रोल्स ओवर अ बिग सर्कल Inside and outside। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ये चीज़, में क्या बोल रहा है, जब किसी बड़े सर्कल में कोई छोटा सर्कल उसके इनसाइड और आउटसाइड रोल करता है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक पहले इनसाइड रोल करेगा उसके बाद ये आउटसाइड रोल करेगा, तो ऐसे में हमें मिलता है साइक्लॉइडल प्रोफाइल जो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है ना, जो कुछ इस तरह का प्रोफाइल हमें देखने को मिलता है। तो इसमें आप देखोगे वहाँ तो सिंगल कर्व दिखाई दे रहा है या दो कर्व दिखाई दे रहे हैं, तो ये दो कर्व कहाँ से आते हैं, याद रखिए जब एक इनसाइड चलेगा तो एक कर्व यहाँ से फॉर्म होगा
और जब ये आउटसाइड चलेगा तो एक कर्व यहाँ से फॉर्म होगा। तो जो अंदर वाला कर्व होता है इसे हम हाइपोसाइक्लॉयड बोलते हैं, हाइपोसाइक्लॉयड बोलते हैं। जो बाहर वाला कर्व होता है इसे हम एपीसाइक्लॉयड बोलते हैं, एपीसाइक्लॉयड बोलते हैं। ठीक है ना, कुछ इस तरह से बनाऊं मैं, कुछ ऐसा। तो यहां से हमें ये इनसाइड और आउटसाइड प्रोफाइल मिलता है, ये प्रोफाइल एंड ये प्रोफाइल। ठीक है ना, यहां हमें सेम प्रोफाइल मिलता है, जो भी हमारा कर्व बनेगा वो सिंगल एक ही प्रोफाइल बनेगा। ठीक है ना, तो वो ओवरऑल इन्वोल्यूट ही प्रोफाइल देखा जाता है। ठीक है ना, तो ये एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी डिफरेंस बताने से पहले मैं एक छोटा सा चीज़ और बता दूं। ठीक है ना, बाकी वही आप ध्यान रखिए, ये फेस वाला हिस्सा जो है वो क्या है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स फेस एंड कॉनकेव फ्लैंक। ठीक है ना, कॉनकेव फ्लैंक, कॉन्वेक्स फेस। ठीक है, ये हमें सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा डिफरेंसेस क्या है, अब बाकी कई सारे डिफरेंस हैं इनके बीच में। अब देखिए, एक टर्म आती है हमारे पास इंटरफेरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरफेरेंस, तो अभी मैं उस पर डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये समझिए इंटरफेरेंस किसे बोलते हैं। जब एक टूथ मेटिंग करता है दूसरे टूथ से, तो इस टूथ का जो टॉप का पोर्शन होता है, टॉप लैंड जो होता है, वो दूसरे पोर्शन के रूट में जाके इंटरफेयर करता है। क्योंकि जब ये मोशन करेगा ऐसे इधर को, तो ये इंटरफेयर करके इसके रूट को कट कर सकता है, इसको बोलते हैं हम इंटरफेरेंस। तो ये रूट पे जाके इंटरफेरेंस के डिडेंडम में जाके कट करना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो ऐसे में जब हम इन्वॉल्यूट टूथ प्रोफाइल की बात करते हैं, तो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इन्वॉल्यूट टूथ प्रोफाइल हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इंटरफेरेंस। देयर इज अ चांस ऑफ इंटरफेरेंस टू अकर। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है हमारा इन्वॉल्यूट टूथ प्रोफाइल का। लेकिन जब हम इधर बात करते हैं सेकंड, तो आप देख रहे हो इधर एक स्मूथ कर्व है, वो भी अंदर की साइड, तो यहाँ ऑलरेडी एरिया जो है वो क्लियर रहता है। तो जिसके वजह से साइक्लॉयडल टूथ प्रोफाइल में देयर इज नो चांस ऑफ एनी इंटरफेरेंस, यहाँ किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होता। तो इंटरफेरेंस बिल्कुल एक तरह का किसी भी गियर के लिए मौत है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि साइक्लॉयडल टूथ प्रोफाइल में कहीं पर भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, लेकिन इन्वॉल्व टूथ प्रोफाइल में होता है। तो ऐसे में तो हम बोले इन दोनों में से बेस्ट टूथ कौन सा है, तो अभी तो नज़र आता है साइक्लॉयडल, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हम फिर भी इन्वॉल्यूट प्रोफाइल को ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि उनमें से सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, वो है उसकी कॉस्ट। बिकॉज यहाँ पे क्या देखिए आप, सिंगल कर्व है ना, बेस्ड ऑन सिंगल कर्व, तो जिसके वजह से क्या हुआ, जिसके वजह से इजी टू मैन्युफैक्चर, सिंगल कर्व इजी टू मैन्युफैक्चर, बनाना ज़्यादा आसान है। इधर बात करें, ठीक है ना, इधर बात करें तो बेस्ड ऑन टू कर्व्स डिफ़िकल्ट टू मैन्युफैक्चर। अब जो मैन्युफैक्चर करना डिफ़िकल्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, मैन्युफैक्चर करना आसान होगा तो उसकी कॉस्ट कम होगी, तो लो कॉस्ट कंपैरेटिवली। ठीक है ना, इस पे बोले तो एक्सपेंसिव। तो जहाँ पैसों की बात आ जाती है, फिर तो भैया जो सस्ता पड़ता है वो हमें बेटर लगता है, तो हमारे लिए ये टूथ प्रोफाइल बेटर हो जाता है। और भी कई सारे रीज़न हैं क्यों ये हम लोग फिर भी यूज़ करते हैं। जैसे एक हमने पढ़ा था प्रेशर एंगल, तो प्रेशर एंगल हम लोगों ने देखा था कि प्रेशर एंगल जो है वो आपका किसके बीच में होता है, कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल के बीच में। और मैंने आपको बताया था कि प्रेशर एंगल के अलॉन्ग जो है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ट्रांसमिट होता है, तो जिसके वजह से फोर्स किस इंटेंसिटी का होगा ये उस प्रेशर एंगल पे काफ़ी डिपेंड करता है। तो ऐसे में फोर्स के हिसाब से डिजाइनिंग होती है। तो अगर प्रेशर एंगल सेम रहता है तो फिर फोर्स भी सेम रहेगा कंपोनेंट, लेकिन अगर प्रेशर एंगल चेंज होगा तो फोर्स भी फ्लक्चुएटिंग होगा। तो जब फोर्स फ्लक्चुएटिंग होगा तो ऑब्वियसली हमारा डिजाइन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा फ्लक्चुएटिंग लोड के लिए। तो यहाँ पे यही खास बात है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि इन्वॉल्यूट टूथ प्रोफाइल हैज कॉन्स्टेंट प्रेशर एंगल, इट हैज कॉन्स्टेंट प्रेशर एंगल थ्रू आउट दी इंगेजमेंट।
पूरी इंगेजमेंट के दौरान प्रेशर एंगल जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। उसके कंपैरिजन में अगर हम इधर बात करें साइक्लोइडल टूथ प्रोफाइल की, तो यहाँ पे अगर हमें देखें तो यहाँ पे जो है वो कर्व चेंज होने की वजह से प्रेशर एंगल कीप ऑन चेंजिंग होता है। प्रेशर एंगल कीप ऑन चेंजिंग, और वो भी चेंजिंग किस तरह से होता है, लाइक मैक्सिमम एट स्टार्ट ऑफ इंगेजमेंट। इस इंगेजमेंट जब शुरू होती है तो मैक्सिमम रहेगा प्रेशर एंगल, जीरो हो जाएगा उसके बाद, जीरो एट पिच पॉइंट, पिच पॉइंट पे जीरो हो जाता है प्रेशर एंगल, एंड अगेन मैक्सिमम एट एंड ऑफ इंगेजमेंट। उसके बाद इंगेजमेंट के एंड पे फिर से जाके मैक्सिमम हो जाता है। तो याद रखिए यहाँ प्रेशर एंगल क्या है, कीप ऑन चेंजिंग है। प्रेशर एंगल मैक्सिमम, जीरो, फिर मैक्सिमम, ठीक है ना। इस तरह से जो है वो प्रेशर एंगल वेरी करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है थ्रू आउट द इंगेजमेंट जो है वो प्रेशर एंगल जो है वो कीप ऑन चेंजिंग रहता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम और पिच पॉइंट पे ज़ीरो, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है, स्टार्ट, पिच पॉइंट एंड एंड, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जिसके लिए इन्वोल्यूट प्रोफाइल हमें और बेटर महसूस होता है, ठीक है ना। और अगर बात करें, ठीक है ना, तो ये तो मेन मेन पॉइंट हो ही गए हमारे प्रेशर एंगल को लेके। और अगर बात करें तो एक अच्छा पॉइंट इधर साइक्लोइडल में भी निकल के आता है कि यहाँ पे देखिए जो फ्लैंक होता है, इसका जो फ्लैंक होता है, ये फ्लैंक जो है वो ज़्यादा वाइडर होता है। साइक्लोइडल प्रोफाइल का फ्लैंक जो है वो ज़्यादा वाइडर होता है, जिसके वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू इन्वोल्यूट के, तो क्या ना, वीक इन स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोले तो हाई स्ट्रेंथ ड्यू टू, किसके वजह से, ड्यू टू वाइडर फ्लैंक, फ्लैंक वाइड होने की वजह से साइक्लोइडल टूथ प्रोफाइल में स्ट्रेंथ जो है वो हाई रहती है, ठीक है ना। एक पॉइंट आप ये भी कह सकते हैं कि इन क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आया है कि इन इन्वोल्यूट देयर इज अ कॉन्टैक्ट ऑफ, ठीक है, इन्वोल्यूट गियर में, इन्वोल्यूट एक तरह से गियर मेटिंग में, इन्वोल्यूट गियर मेटिंग में जब दो इन्वोल्यूट गियर मिलते हैं आपस में, तो इन्वोल्यूट गियर मेटिंग में देयर इज अ कॉन्टैक्ट ऑफ टू इन्वोल्यूट सर्फेसेस, या हम बोले टू कॉन्वैक्स सर्फेसेस, दो कॉन्वैक्स सर्फेसेस का मीटिंग होता है, दो कॉन्वैक्स सर्फेसेस का मीटिंग होता है। लेकिन अगर इधर बात करें, इन साइक्लोइडल, इन साइक्लोइडल मीटिंग कॉन्वैक्स फ्लैंक, ठीक है ना। अब इससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वैक्स जो मैं लिखा चाहे तो आप मत लिखो, क्योंकि मेटिंग के दौरान क्या होगा, एक हिस्सा ऐसा और दूसरा वाला गियर ऐसा, ये कांटेक्ट में आएगा इस तरह से एक गियर दूसरे के, तो एक का कॉन्वैक्स और ये, एक का फेस और एक का फ्लैंक, तो कॉन्वैक्स और कॉनकेव, फेस और फ्लैंक जो है वो आपस में टच करते हैं। तो वहाँ ना समझ के सिंपल इस लाइन को याद रखिए, इन साइक्लोइडल मेटिंग कॉन्वैक्स फ्लैंक एंड कॉनकेव सरफेस कॉन्टैक्ट विद इट, ठीक है ना। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इसमें खासकर कौन कौन सा पॉइंट स्पेशली बोले तो स्पेशली हमारे पास ये पॉइंट है ना, इजी मैन्युफैक्चरिंग, चीप, कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। और हमारा जो है ये इसको भी ले सकते हैं, बट
फिर भी हम एक लास्ट पॉइंट ये कहते हैं कि आउट ऑफ ऑल, आउट ऑफ इंटरफेरेंस इसमें होता है, फिर भी हमारा वी यूज मोस्टली, वी प्रेफर इनवॉल्यूट प्रोफाइल, ठीक है ना। पर फिर भी हम इनवॉल्यूट प्रोफाइल को यूज़ करते हैं क्योंकि हमें कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो जब हम इनवॉल्यूट, ये दिख नहीं रहा है पॉइंट, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ये मैंने सिंपल लिखा। तो जब हम इनवॉल्यूट प्रोफाइल को इतनी प्रेफरेंस देते हैं तो फिर ये भी ज़रूरी है कि हम उसके इंटरफेरेंस का भी कुछ ना कुछ इलाज करें। तो अब ये करना ज़रूरी है कि किसी भी इनवॉल्यूट प्रोफाइल में इंटरफेरेंस को कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर हमारी पूरी कैलकुलेशन और आगे का चैप्टर होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई इनवॉल्यूट प्रोफाइल का गियरिंग हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि, तो पहले मैं यहाँ पे कुछ कंसेप्ट बता दूँ, उसके बाद इंटरफेरेंस अवॉइड करने की बात करेंगे। तो पहले एक आधे कंसेप्ट समझ लीजिए। तो मान लीजिए ये कोई गियर है विच हैव टीथ इन इट, इट हैव सम टीथ, ठीक है ना। अब इसके कॉन्टैक्ट में कोई दूसरा गियर आता है ठीक है ना, कुछ इस तरह से। तो टू गियर्स आर इन कॉन्टैक्ट लाइक दिस। तो हमें देखने को ही मिलता है कि जब हम इस तरह के गियर्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से फिर एक गैप बाद दूसरा गियर भी कॉन्टैक्ट में आएगा, देयर वन मोर गियर लाइक दिस, है ना, कुछ इस तरह से कोई दूसरा गियर भी कॉन्टैक्ट में होगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि एक फिक्स टूथ स्पेस होता है और ये टूथ थिकनेस है। तो आपने कहा था कि एक अडेंडम अडेंडम के बीच में एक गैप हम लोगों ने मेंटेन रखा था, जिसको हमने क्या बोला था, क्लियरेंस, है ना। तो क्लियरेंस तो आप लोग समझते हैं, क्लियरेंस तो क्या है, एक गियर के अडेंडम और दूसरे गियर के अडेंडम के बीच में, है ना, गैप बिटवीन अडेंडम ऑफ वन गियर एंड डिडेंडम ऑफ अदर वाइल मेटिंग, मेटिंग के दौरान, है ना, जब वो मेट कर रहे हैं उस टाइम पे जो गैप बच रहा है एक के अडेंडम और दूसरे के डिडेंडम के बीच में, तो अडेंडम सर्कल बोल सकते हो आप, ठीक है ना, अडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल के बीच में, वो है हमारा क्लियरेंस। बट कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, जैसे स्लाइडिंग इसमें हो रही है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये गियर जो है ऐसे एक्सपेंड कर जाता है। तो ऐसे में ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन गियर मे लॉक बिटवीन टूथ स्पेस। तो गियर ऐसे में कभी टूथ स्पेस के बीच में लॉक हो जाता है, दैट इज कॉल्ड, उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जैमिंग ऑफ गियर, दैट इज कॉल्ड जैमिंग ऑफ गियर, मतलब गियर एक तरह का जाम हो गया, ठीक है, जैमिंग ऑफ गियर। सो टू अवॉइड दिस, उसको अवॉइड करने के लिए गियर में क्या होते हैं, हम लोग एक क्लियरेंस और दे के चलते हैं जो किस किस के बीच में होती है, टूथ स्पेस और टूथ थिकनेस के बीच में, दैट इज कॉल्ड बैकलैश इज प्रोवाइडेड, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बैकलैश क्या है, बैकलैश इज अ टूथ स्पेस इज इक्वल्स टू टूथ स्पेस में टूथ थिकनेस, तो जितनी भी टूथ थिकनेस है उसमें प्लस आप बैकलैश जोड़ दें, ठीक है ना। तो एक तरह से बोले तो बैकलैश क्या है, बैकलैश इज अ गैप बिटवीन टूथ स्पेस एंड टूथ थिकनेस, जिससे अगर थोड़ी बहुत एक्सपेंशन होती भी है तो वो क्लियरेंस जो है वो मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हर कंपनी इस तरह से जो है बैकलैश और क्लियरेंस दो ऐसे अलाउंसेस हैं जो गियर्स में प्रोवाइड करके चलती है। तो ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बैकलैश के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे बच्चों कई सारे हमारे कंसेप्ट निकल के आते हैं। तो इन्वोल्यूट टूथ प्रोफाइल की मैं खास बात कर रहा था, इन्वोल्यूट टूथ प्रोफाइल, ठीक है ना। तो जब हम इन्वोल्यूट टूथ प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा समझिए कि प्रेशर एंगल की जब हम बात कर रहे थे, तो चलो प्रेशर एंगल से पहले मैं एक बेसिक सी बात बताता हूँ कि इन्वोल्यूट टूथ प्रोफाइल में बेस सर्कल की पोजीशन क्या होती है, पोजीशन ऑफ बेस सर्कल। बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को इसमें पोजीशन ऑफ बेस सर्कल को लेके, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को। तो काफ़ी बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि सर बेस सर्कल एक्चुअली में है क्या, डेंडम से ऊपर है, डेंडम से नीचे है, डेंडम से ऊपर है, कहाँ है। तो आप सिंपली एक सिंपल से डायग्राम से मैं आपको चीज़ें समझाऊँ कि बेस सर्कल की डेफिनेशन में चलिए। क्यों? क्योंकि बेस सर्कल तो इमेजिनरी है ना, तो ऐसी वाली कोई बात ही नहीं है बेस सर्कल को लेके कि ये एक्चुअल में कहाँ होगा, क्या होगा, क्योंकि ये इमेजिनरी सर्कल है, ठीक है। तो मैं आपको इस बेसिस पे समझाता हूँ कि कोई भी टूथ प्रोफाइल, इन्वोल्यूट टूथ प्रोफाइल जब हम लोग लेते हैं तो सबसे नीचे हमारा क्या था, दिस इज अवर डिडेंडम सर्कल। सबसे नीचे जो रूट होता है हम उसको क्या लेते हैं, डिडेंडम सर्कल। तो इसको ऐसे ही बना लेते हैं। तो मान लीजिए दिस इज अवर डिडेंडम सर्कल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इन्वोल्यूट प्रोफाइल जो है हमारा वो कहीं यहां से स्टार्ट है, मतलब यहां से आगे जो है वो इन्वोल्यूट है। माने हम कि इतने हिस्से तक इन्वोल्यूट प्रोफाइल नहीं है, ठीक है ना। यहां तक हिस्सा जो है वो ऐसा ही है, नॉन कॉन्जुगेट रीजन है, समझ रहे ना। तो इतना हिस्सा अगर मैं मान लूं, ये हिस्सा क्या है, नॉन कॉन्जुगेट रीजन है, नॉन कॉन्जुगेट रीजन। तो मतलब क्या हुआ कि इतने हिस्से में वो लॉ ऑफ गियरिंग फॉलो नहीं करता है। तो इससे ऊपर जो है वो सारा इन्वोल्यूट प्रोफाइल है। तो इससे ऊपर वाला मैं क्या बोलूंगा, दैट इज इन्वोल्यूट प्रोफाइल, ठीक है। तो ये याद रखिए कि ये डिडेंडम सर्कल है, इसके ऊपर जस्ट आता है क्लियरेंस सर्कल, है ना। इसके जस्ट ऊपर आता है एक क्लियरेंस सर्कल, तो इसके ऊपर हम बोलेंगे क्लियरेंस सर्कल, ठीक है। डिडेंडम सर्कल, क्लियरेंस सर्कल, क्लियरेंस सर्कल। तो जहां से टूथ प्रोफाइल स्टार्ट है, जहां से इन्वोल्यूट टूथ प्रोफाइल स्टार्ट है, उस इमेजिनरी सर्कल को हम लोग बोलते हैं बेस सर्कल। ये आप ध्यान रखिए, दैट इमेजिनरी सर्कल इज कॉल्ड बेस सर्कल। तो एक्चुअल में सर्कल सिर्फ एक्चुअल कौन सा है, डिडेंडम सर्कल है। क्लियरेंस भी इमेजिनरी है और बेस सर्कल भी इमेजिनरी है, ठीक है ना। तो याद रखिए ये होगा बेस सर्कल। तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि बेस सर्कल क्या होता है क्या नहीं। जितने में इन्वोल्यूट प्रोफाइल होगा, जहां से स्टार्ट होगा इन्वोल्यूट प्रोफाइल, वो बेस सर्कल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेंटर, लगभग सेंटर के आसपास में देयर इज अ पिच सर्कल। उसके बाद सेंटर के आसपास में आ जाएगा इसमें पिच सर्कल, कुछ इस तरह से। और उसके बाद टॉप ऑफ द टूथ जो है वो आ जाएगा आपका अडेंडम सर्कल। तो ये देखो मैंने सारे सर्कल इस तरह दिखा दिए, बस अब इन्हीं को पूरे गियर में सर्कल घुमा दो तो ये सारे सर्कल हो जाते हैं, समझ रहे। तो सबसे नीचे डिडेंडम सर्कल, फिर क्लियरेंस सर्कल, फिर बेस सर्कल, फिर पिच सर्कल, फिर अडेंडम सर्कल। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। बाकी कुछ और पैरामीटर भी मैं आपको बता दूं, जैसे फिर से इन दोनों के बीच का गैप इज कॉल्ड क्लियरेंस, है ना। पिच सर्कल से यहां तक का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डिडेंडम। ये पिच सर्कल से ऊपर तक का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड अडेंडम, है ना। तो अडेंडम, डिडेंडम, क्लियरेंस, बेस सर्कल, और सेंटर से यहां तक की दूरी, जो गियर का सेंटर होगा वहां तक की दूरी, रेडियस ऑफ द बेस सर्कल, रेडियस ऑफ द बेस सर्कल। कहां तक आया ये मैं अलग पेन से दिखा दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां से लेके बेस सर्कल के रेडियस तक, ये दैट इज द रेडियस ऑफ द बेस सर्कल। अब इस रेडियस ऑफ द बेस सर्कल पे ही कॉमन नॉर्मल जो है वो ऐसे बनता है, ठीक है ना, समझ आ गई बात। बाकी रेडियस ऑफ द पिच सर्कल भी होता है, ये जो पिच सर्कल है इसका रेडियस भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द पिच सर्कल। ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन में हम यही लेते हैं, कैलकुलेशन में बेस सर्कल रेडियस नहीं लेते हैं, समझ आ रही बात। फिर दूसरी बात ये समझ गए, अब इन्वोल्यूट प्रोफाइल में हम लोगों ने
एक और चीज़ समझी है कि हम कह रहे थे कि जो इन्वोल्यूट प्रोफाइल कैसे बनता है कि किसी सर्कल के ऊपर स्टिक को जो है वो चलाओ, रोल करवाओ। तो याद रखिए द इम्पॉर्टेंट सर्कल, बहुत बार पूछा जाता है वो इम्पॉर्टेंट सर्कल कौन सा होता है, तो याद रखिएगा दैट इम्पॉर्टेंट सर्कल इज बेस सर्कल। वो समझ लीजिए बेस सर्कल के ऊपर ही चलता है, तो बेस सर्कल ही बेसिक होता है जिसके ऊपर इन्वोल्यूट प्रोफाइल बनता है। तो ये बहुत बार आएगा इन्वोल्यूट प्रोफाइल इज बेस्ड ऑन विच सर्कल, तो याद रखिएगा दैट इज आंसर रहेगा आपका बेस सर्कल, क्योंकि बहुत बच्चे पिस सर्कल को आंसर टिक कर देते हैं। तो ये आपको मिनिमम चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखनी होगी, ठीक है ना। इसके अलावा अब बात करते हैं हम हाउ टू अवॉइड इंटरफेरेंस, हाउ टू अवॉइड इंटरफेरेंस इन अ इन्वोल्यूट टूथ प्रोफाइल, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्वोल्यूट टूथ प्रोफाइल में इंटरफेरेंस का चांस रहता है, तो इंटरफेरेंस को अवॉइड करना ही हमारा मेन मकसद है। तो टू अवॉइड इंटरफेरेंस, किस तरह से इंटरफेरेंस को अवॉइड किया जाए, ठीक है ना। तो वैसे तो हम डिटेल लेक्चर में ही समझते हैं ज्योमेट्रिकली कि इंटरफेरेंस एक्चुअली में किस रेडियस का हिट करना है। तो यहाँ पे आप बेसिकली सिर्फ इतना समझिए कि एक गियर टूथ ये है, ये उसका रूट है, दूसरा गियर टूथ ऐसे आएगा और ये इसके रूट को जाके हिट कर सकता है या बेस सर्कल के अंदर इंसर्ट हो सकता है। क्योंकि बेस सर्कल हमारा क्या था, जहाँ कॉन्जुगेट प्रोफाइल नहीं था, बेस सर्कल से अंदर जो है वो कॉन्जुगेट प्रोफाइल नहीं था। तो अगर बेस सर्कल से नीचे चले जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर हिट करेगा, क्योंकि वहाँ पे कॉन्जुगेट प्रोफाइल तो नहीं है, वहाँ लॉ ऑफ गियरिंग फॉलो नहीं होगा, तो वहाँ पे जो मटेरियल है वो इरोड हो सकता है, वहाँ पे मटेरियल जो है वो टूट सकता है, जिससे गियर जो है वो कमज़ोर हो सकता है और गियर जो है वो फेल हो सकता है। तो इसीलिए इंटरफेरेंस को अवॉइड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या क्या तरीके करते हैं, तो आप दिमाग में सिर्फ एक चीज़ रखिए कि भैया इसकी जो टिप है ये जाके हिट कर सकती है इसके नीचे वाले पोर्शन को, तो इसको मुझे इससे हिट करने से बचाना है। तो अब मैं दिमाग में क्या क्या तरीके लगा सकता हूँ, बस वो सारे तरीके यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो इसमें सबसे आसान, सबसे बेसिक तरीका होता है जो कंपलसरी हम करते ही करते हैं, वो है आपका अंडर कटिंग, अंडर कटिंग, ठीक है ना। तो अंडर कटिंग एक बेसिक तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि टूथ के रूट को, जैसे हमारा इन्वोल्यूट टूथ प्रोफाइल था कुछ इस तरह का प्रोफाइल था इन्वोल्यूट टूथ, तो हम क्या करते हैं उसका जो रूट होता है, जो हिस्सा टकराने का चांस है उस हिस्से को ही गायब कर देते हैं, ऐसे जिस हिस्से का टकराने का चांस रहता है उस हिस्से को ही गायब कर देते हैं, ऐसे इस तरह से। तो ये क्या हो जाता है, अंडर कटिंग, दिस इज अंडर कट, ये अंडर कट है, ठीक है ना, ये अंडर कट है कि इस तरह से अंडर कट करके हम इस एरिया को साफ कर सकते हैं जिससे कि अब वहाँ पे वो टकराने का चांस नहीं होता। तो ये एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम 100% इंटरफेरेंस तो नहीं रिमूव कर सकते, लेकिन बेनिफिट इससे कंपलसरी होता है। तो अंडर कटिंग जो है वो गियर में करी ही जाती है, ऑलवेज ऑलवेज जो है वो अंडर कटिंग को हम लोग यूटिलाइज करते ही करते हैं, ठीक है ना। बट एक इसका लिमिटेशन है, ठीक है ना, लिमिटेशन, ठीक है, समझिए मैं पूरी पूरी लाइन नहीं लिखा रहा हूँ, सिर्फ समझ के आपका काम चल जाएगा कि अंडर कटिंग क्या है। टू रिमूव दी पार्ट ऑफ दी रूट फ्रॉम दी टूथ, लिमिटेशन क्या है कि जैसे जैसे ये हम अंडर कट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है इसकी थिकनेस जो है वो कम होती जाएगी, तो ऐसे में जो गियर है वो वीक पड़ता है, तो ऐसे में वीक्स द गियर ड्यू टू विच used for low power transmission, ठीक है ना, इसलिए फिर हम low power, या फिर ऐसे कह सकते हो आप कि not suitable for high power transmission, ये कह सकते हैं आप कि जिसके वजह से high power transmission में suitable नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं नॉट सुटेबल फॉर हाई पावर ट्रांसमिशन, इससे सिर्फ हम लो पावर ट्रांसमिशन ही कर सकते हैं क्योंकि अब उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, ठीक है ना, तो स्ट्रेंथ जो है वो कम होने हो जाती है, ठीक है। सेकंड तरीका है हमारे पास बाय स्टबिंग ऑफ टूथ, ये भी एक अच्छा तरीका होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं
गियर का भाई ये टिप जाके दूसरे गियर की ये टिप इस गियर के रूट में कट रही थी, एक तरीका हमने क्या रूट काट दिया। अब एक तरीका ये भी तो है कि टिप ही काट दो भाई, अगर टिप में यूज नहीं है बहुत ज्यादा इन्वॉल्यूट प्रोफाइल आपको टिप तक नहीं देना तो उस टिप को आप कट कर सकते हो। तो स्टबिंग ऑफ टूथ, टूथ को स्टब करना, तो इस तरह से टूथ की हम स्टबिंग कर सकते हैं, इसकी टिप को जो है हम वो कट कर सकते हैं अगर हमारा काम चल जाता है तो, इस तरह से दैट इज कॉल्ड स्टबिंग ऑफ टूथ। तो हम टूथ की ऐसी स्टबिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टब टूथ जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो अब आप सोच सकते हैं स्टबिंग ऑफ टूथ से हमें बेनिफिट क्या होता है। देखिए, एक तो अडेंडम घट जाता है, ठीक है ना, रेडियस घट जाता है अडेंडम सर्कल का, तो इस वजह से क्या है कि वो उसके रीच तक पूरा पूरा कट तक नहीं पहुंचता है। तो स्टबिंग ऑफ टूथ हमारा एक बेसिक सा मेथड है जिसको हम यूज़ करते ही हैं, ठीक है। तो इसमें चाहे तो हम लिख सकते हैं अडेंडम जो है वो डिक्रीज करता है, रेडियस ऑफ अडेंडम डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस जो है वो भी आपका डिक्रीज करता है। इसकी भी लिमिटेशन होती है, इसकी लिमिटेशन ये है कि कॉन्टैक्ट रेशियो जो है वो घट जाता है। तो डिक्रीजिंग कॉन्टैक्ट रेशियो और कहीं ना कहीं मिनिमम नंबर ऑफ टीथ जो हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। तो अभी ये सब क्या है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, ये अभी बताता हूँ। तो इसकी लिमिटेशन को तभी हम समझ लेंगे, तो अभी ये बताता हूँ। अभी सिर्फ इतना समझो कि ये सब रेडियस जो है वो घटेगा तो इंटरफेरेंस भी घट जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले अडेंडम ये रहा होगा अडेंडम सर्कल, उसके बाद एडेंडम नया एडेंडम ये आएगा, है ना, तो वो उससे कुछ पीछे ही रह जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, जब किसी दूसरे से मीट करेगा, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है प्रेशर एंगल। अब बात आती है प्रेशर एंगल, और ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछता भी है जब बेस्ट टूथ कौन सा होता है, तो आपसे पूछेगा अभी तो याद रखिएगा 20 डिग्री प्रेशर एंगल वाला स्टब टूथ, स्टब्ड टूथ। ये हमारा जो टूथ है वो सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, बढ़िया जो है वो टूथ माना जाता है। इसमें इंटरफेरेंस भी कम होता है, लो इंटरफेरेंस, स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ। ये मिनिमम नंबर ऑफ टीथ क्या है ये अभी बताऊंगा मैं। तो ये इसके कुछ फास्ट फायदे होते हैं। अब बात आती है प्रेशर एंगल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर ऑब्जेक्टिव के लिए, कि इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए प्रेशर एंगल बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, ये हमें समझना पड़ेगा। तो देखो सिंपल सा अंतर बताता हूँ, ये मान लीजिए कोई बेस सर्कल है, ठीक है ना, तो ये कॉमन टेंजेंट था, तो ये कुछ प्रेशर एंगल ऐसे बन रहा था, इसका नॉर्मल लेके यहाँ से नॉर्मल लेके ये प्रेशर एंगल बन रहा था फाई। अब देखो, अब अगर मैं बेस सर्कल को छोटा कर दूँ, बेस सर्कल छोटा कर दूंगा तो मेरा इंटरफेरेंस का चांस घटेगा, क्योंकि रेडियस पीछे आ जाएंगे तो इंटरफेरेंस का चांस घटेगा। तो बेस सर्कल अगर मैं छोटा कर दूं तो अब बताओ प्रेशर एंगल बढ़ रहा है घट रहा है? अगर बेस सर्कल छोटा कर दूंगा तो अगला प्रेशर एंगल की लाइन कौन सी होगी? ये वाली होगी ना, अंतर समझिए आप। अगली प्रेशर एंगल की लाइन कौन सी होगी? ये वाली होगी, कॉमन नॉर्मल की लाइन। पहली ये वाली है तो प्रेशर एंगल इतना है, अब ये वाली हो गई तो प्रेशर एंगल इतना हो गया। तो अब आप देख रहे हो प्रेशर एंगल अगर बढ़ा रहा हूँ तो रेडियस ऑफ बेस सर्कल क्या था? पहले उतना बड़ा था, अब रेडियस ऑफ बेस सर्कल ये है, और बेस सर्कल रेडियस घटेगा तो इंटरफेरेंस घटेगा, ये बात तय है। तो ऐसे में याद रखिएगा प्रेशर एंगल जो है वो हमें क्या करना होता है? इंक्रीज करना होता है, जिससे क्या होता है रेडियस ऑफ बेस सर्कल जो है वो डिक्रीज होता है, जिससे क्या होता है इंटरफेरेंस जो है वो घटता है, ठीक है ना, इंटरफेरेंस जो है वो घटता है। तो इसीलिए प्रेशर एंगल जो है वो एक लिमिट में यूज़ करना ज़रूरी है, आप कितना भी बड़ा घटा नहीं सकते हैं। दैट्स वाई हमारी लिमिटेशन क्या होती है, 20 से 25 डिग्री, इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर गियर का बेस सर्कल बहुत ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक लिमिट है कि 20 से 25 डिग्री के बीच तक हम लोग प्रेशर एंगल को रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सकते इंटरफेरेंस घटाने के चक्कर में, क्लियर है। तो ये तीन मेथड हमने बात करी। अब इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट दो और इम्पॉर्टेंट मेथड आते हैं जिससे हम इंटरफेरेंस को अवॉइड कर सकते हैं। तो एक मेथड आता है, दैट इज दी, ये मेथड आप वहाँ पे भी लिख सकते थे, कहाँ गया डस्टर, ये मेथड आप वहाँ पे भी लिख सकते थे जहाँ पे हम साइक्लॉइड और इन्वोल्यूट का डिफरेंस लिख रहे थे, ठीक है ना। एक और तरीका क्या है, द फोर्थ वे टू रिड्यूस इंटरफेरेंस बाय शिफ्टिंग
सेंटर डिस्टेंस, याद रखिए। ये जो है ये सिर्फ इन्वोल्यूट में ये सुविधा पॉसिबल है कि हम क्या कर सकते हैं, सेंटर डिस्टेंस को शिफ्ट कर सकते हैं। कि मींस एक हमारा ये है इन्वोल्यूट प्रोफाइल और एक ये है इन्वोल्यूट प्रोफाइल जो इसमें टकराने का डर है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके सेंटर को थोड़ा खिसका सकते हैं, पीछे को शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने शिफ्ट कर लिया तो अब ये क्या होगा, इस तरह से काम करेगा। तो इतना थोड़ा सा गैप जो है वो बढ़ जाता है शिफ्टिंग करने से। शिफ्टिंग करने में हमें यहाँ दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक जैसा प्रोफाइल है, ठीक है ना। तो ऐसे में इन्वोल्यूट इन्वोल्यूट के कॉन्टैक्ट में ही रहता है, चाहे हम थोड़ा बहुत शिफ्ट कर भी दें, ठीक है ना। तो ऑन शिफ्टिंग देयर इज नो चेंज इन इन्वोल्यूट टू इन्वोल्यूट कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट आप डिफरेंस में भी ऐड कर दीजिएगा, बट मैं यहीं पर लिख रहा हूं, बट इन केस ऑफ साइक्लॉइडल प्रोफाइल शिफ्टिंग ऑफ सेंटर डिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल, वहां पे सेंटर डिस्टेंस की शिफ्टिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि वहां पे क्या होता है हाइपो और एपी साइक्लॉइड होते हैं, ठीक है ना। तो हाइपो एपी जो है वो एक दूसरे के अंदर इस तरह से रहते हैं, ये ऐसे है ये ऐसा है, तो दूसरा वाला जो आएगा टूथ वो ऐसे आएगा। तो अगर मैं शिफ्ट कर दूंगा तो फिर कॉन्वेक्स कॉनकेव के जगह पे कॉन्वेक्स कॉनकेव के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, तो ऐसे में जो है वो दिक्कत हो जाती है, वो फंस जाता है, लॉक हो जाता है, ठीक है ना। एज कॉनकेव में कॉन्टैक्ट विद कॉनकेव और वाइस वर्सा, और कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स के कॉन्टैक्ट में आ सकता है, विच क्रिएट लॉकिंग ऑफ गियर, ठीक है ना। तो जिसके वजह से गियर में लॉकिंग क्रिएट हो जाती है। तो ये हमारे पास कुछ तरीके हैं जिनसे हम इंटरफेरेंस को अवॉइड करते हैं। तो ये पॉइंट मैंने सिर्फ साइक्लॉइड के लिए यहाँ पे लिख दिया, आप इसे डिफरेंस में भी लिख सकते हो, जहाँ डिफरेंस हमने इन्वोल्यूट साइक्लॉइड के लिखे थे कि भैया इन्वोल्यूट में आप सेंटर, क्योंकि सेंटर डिस्टेंस जरूरी नहीं है कि हम ही कर रहे हैं। कई बार क्या होता है काम करते करते जो बोल्ट है वो हल्का लूज हो गया, हल्का सा सेंटर डिस्टेंस खिसक गया, तो इन्वोल्यूट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन साइक्लॉइड में अगर हल्का सा भी खिसकेगा तो फंस जाएगा, तो तब वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। अब लास्ट मेथड यहाँ पे आता है इंटरफेरेंस को अवॉइड करने का, वो आता है आपका दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ टीथ। अब इसको भी कई लोग बहुत उल्टा पुल्टा समझ जाते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ क्या है। ठीक है, देखिए मिनिमम नंबर ऑफ टीथ मतलब ये नहीं होता कि कम से कम टीथ, ये नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब होता है एट लीस्ट अमाउंट ऑफ टीथ, कि मतलब कम से कम इतने तो यूज करने ही हैं, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतने करने हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हमारा टीथ और डाया का सिंपल सा रेशियो है जिसको मॉड्यूल भी बोलते हैं। तो अगर मैं कोई बड़ा सर्कल ले रहा हूं और मैं इसमें बोलूं कि कितने टीथ बनाने हैं, तो इस सर्कल के हिसाब से डिवाइड होंगे। तो हमने बोला 1 2 3 4, चार टीथ हो गए, 5 6 7 8, हमने कहा ये 8 टीथ हैं, ठीक है ना। अब 8 टीथ हैं तो स्पेस भी उसी हिसाब से बीच का बना होगा, ठीक है। लेकिन अगर अब इसी को मैं कन्वर्ट करूँ और मैं बोलूँ कि इसमें 8 की जगह पर हम टीथ जो हैं वो बढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे कॉन्टैक्ट रेशियो जो है वो इंक्रीज होगा। भाई अगर इस वाले गियर को मैं किसी गियर के कॉन्टैक्ट में लाता हूँ तो एक साथ में कितने, एक दो गियर कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, ज़्यादा दो आ सकते हैं, या एक ही गियर कॉन्टैक्ट में आएगा, है ना भाई। जब ऐसे मिलाऊंगा तो एक ही, अब सीधा एग्जांपल समझो ना, अगर मान लीजिए मैं अपने हाथ में बोलूं, मैं हाथ में चार उंगलियां इधर है चार उंगलियां, तो मैं अगर जब कॉन्टैक्ट में ला रहा हूं तो एक साथ कॉन्टैक्ट में कितनी उंगलियां एक दूसरे को टच कर रही है। तो देखो एक कॉन्टैक्ट ये है 1, दूसरा कॉन्टैक्ट ये है 2, और तीसरा कॉन्टैक्ट ये है 3। तो 3 कॉन्टैक्ट बन रहे हैं, 3 उंगलियां जो हैं वो आपस में कॉन्टैक्ट में हैं। देखो एक ये फ्री है एक ये फ्री है, ठीक है ना। तो 5 में से 3 आपस में कॉन्टैक्ट में हैं। लेकिन अगर मेरे हाथ में इसकी जगह पे 2 ही उंगलियां होती,
ठीक है, तो मैं एक टाइम पे कितना कॉन्टैक्ट बना पाता, हो सकता है सिर्फ एक, समझ रहे ना? तो ये समझ रहे कॉन्टैक्ट रेशियो, जब नंबर ऑफ टीथ ज्यादा हैं तो कॉन्टैक्ट रेशियो भी ज्यादा है, जब नंबर ऑफ टीथ कम हैं तो कॉन्टैक्ट रेशियो भी कम है। ये बात समझ आ रही है? अगर इतनी सी बात आप इस एग्जांपल से समझ पा रहे हैं तो ये मिनिमम नंबर ऑफ टीथ का कंसेप्ट आप समझ सकते हैं, ठीक है ना? तो जब ऐसे में मैं कॉन्टैक्ट रेशियो इंक्रीज करता हूं, तो देखिए कॉन्टैक्ट रेशियो बढ़ने से इंटरफेरेंस जो है वो डिक्रीज होता है। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर कॉन्टैक्ट रेशियो ठीक है, समझ में आ गया, कॉन्टैक्ट रेशियो बढ़ रहा है ऐसे में, लेकिन उससे इंटरफेरेंस कैसे डिक्रीज हो रहा है? तो देखो एक और फिगर से समझते हैं इस चीज को। ये तो समझ गए ना कि टीथ बढ़ाने से क्या हो रहा है, तो इसको अगर आप ऐसे कंफ्यूज होते हो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, तो आप सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, बाय इंक्रीजिंग दी नंबर ऑफ टीथ, बाय इंक्रीजिंग दी नंबर ऑफ टीथ। ये बड़ा सीधा सीधा समझ में आता है, भाई टीथ के नंबर हम बढ़ा रहे हैं। तो जो डेरिवेशन हमारे पास आते हैं बुक्स में कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ फाइंड किए, तो मिनिमम नंबर मतलब यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने आप एटलीस्ट टीथ इतने तो रखे ही, ठीक है ना? तो हम बढ़ा रहे हैं टीथ। अब देखो इसका एक सिंपल सा, ये ऐसा क्यों होगा, इसका मैं एक सिंपल सा एक डायग्राम में बताऊँ आपको कि मान लीजिए ये एक इन्वॉल्यूट टीथ है, तो इसका अडेंडम सर्कल ये होगा। अब ये तो आप समझते हैं ना कि अडेंडम सर्कल का रेडियस जो है अगर मैं कम कर दूँ तो इंटरफेरेंस कम होगा, ये तो समझते हैं। तो अब देखो ना, अब इस टीथ की जगह पर मैं एक की जगह पे मैं दो टीथ ले लेता, इतने बड़े की जगह पे मैं दो टीथ ले लेता, तो दो टीथ ले लेता तो ऐसे आते ना, थोड़ा और छोटा कर लेता हूं, मान लीजिए इस तरह से मैं दो टीथ ले लेता, तो देखो क्या हुआ, इस जगह पे दो टीथ हो गए, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ टीथ जो है वो इंक्रीज हुए। तो उससे क्या हुआ, देखो पहले अडेंडम सर्कल ये था, अब अडेंडम सर्कल क्या होगा, ये होगा, तो अडेंडम रेडियस जो है, रेडियस ऑफ अडेंडम जो है वो डिक्रीज हुआ, और रेडियस ऑफ अडेंडम डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, देखो ना, नंबर ऑफ टीथ बढ़े, कॉन्टैक्ट रेशियो इंक्रीज हुआ, रेडियस ऑफ अडेंडम कम हुआ, और इंटरफेरेंस जो है वो फिर से कम हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है। तो यहाँ पे मैंने टोटल पांच मेथड बताया बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इन पांच मेथड से हम इंटरफेरेंस को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं हमारे इन्वॉल्यूट टूथ प्रोफाइल में। तो आई होप आप लोग कंसेप्चुअल वाइज, क्योंकि मैंने शॉर्ट वे में कंसेप्ट बताए हैं, बट फिर भी इतना आप समझ सकते हैं अब कि हाँ भाई प्रेशर एंगल बढ़ाऊंगा तो इंटरफेरेंस घटेगा, है ना, आपका कॉन्टैक्ट रेशियो नंबर ऑफ टीथ बढ़ाऊंगा तो इंटरफेरेंस घटेगा, टूथ को स्टब करूंगा तो इंटरफेरेंस घटेगा, अंडर कट करूंगा तो इंटरफेरेंस घटेगा, स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ को शिफ्ट करूंगा तो इंटरफेरेंस घटेगा। तो ये सब तरीके अब हम समझ सकते हैं कि हाँ इन सभी तरीके से मैं इंटरफेरेंस को घटा सकता हूँ। नाउ यहाँ पे अब एक डायग्राम हम समझते हैं बच्चों। देखिए मान लीजिए दो गियर है, एक गियर है एक व्हील है, तो यहाँ पे हम समझे, मान लीजिए ओ वन सेंटर है, ये ओ टू सेंटर है, ये कोई बड़ा गियर है और ये मेरा पिनियन है छोटा, ठीक है? तो ये हमने उसके सिंपल क्या बनाया, मैंने पिच सर्कल ऑफ वन, पिच सर्कल ऑफ टू, ठीक है, बेस सर्कल ऑफ टू, बेस सर्कल ऑफ वन, ठीक है, ये मैंने बनाया, कॉमन नॉर्मल दोनों के बीच में बना दिया। मान लीजिए ये हमारा P और Q पॉइंट है, पिच पॉइंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक ही जगह पे इस टाइम पे, ठीक है, ये मान लीजिए M और N बोल देते हैं इसे, ठीक है। अब देखो, अब ये आप सबको पता है कि O टू से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज अवर पिच सर्कल रेडियस। तो ये नीचे वाले का जो स्मॉल लेटर्स यूज करूँगा, स्मॉल r, ये इधर होगा कैपिटल R, ठीक है। अब नाउ इसका अडेंडम सर्कल क्या होगा, इससे ऊपर होगा, तो देयर इज वन अडेंडम सर्कल ऑफ सेकेंड वन, और इसका अडेंडम सर्कल इसके पिच सर्कल से ऊपर होगा, तो देयर इज अडेंडम ऑफ दिस वन, तो ये अडेंडम सर्कल ऑफ वन, दिस इज अडेंडम सर्कल ऑफ टू, ठीक है, तो अडेंडम सर्कल वन और टू के हो जाते हैं। अब बात है डिडेंडम की, तो डिडेंडम को भी हम बना सकते हैं। तो पहले अडेंडम अडेंडम देखो आप, इसका अडेंडम और इसका अडेंडम, मैं दोनों अलग अलग कलर से कर देता हूँ ताकि आपको समझ में थोड़ा सा ज़्यादा आसानी से आए, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने इस तरह से मैंने दिखा दिया, ब्लू वाले से बड़े वाला गियर और ब्लैक वाले से ये। तो अब इसका डिडेंडम भी बना दें हम लोग, तो ये रहा इसका अडेंडम और ये रहा नीचे वाले का डिडेंडम सर्कल, और ऐसे ही ये रहा इसका अडेंडम और नीचे वाले ऊपर वाले का, ये रहा उसका डिडेंडम सर्कल, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे है हमारा पी, जो कि हमारा पिच पॉइंट है, और एक पॉइंट है हमारा जब इस ऊपर वाले का अडेंडम इसके डिडेंडम को यहाँ पे टच कर रहा है, तो दैट इज इसको हम बोल देते हैं के पॉइंट, और ऐसे ही इसका अडेंडम उसके डिडेंडम को टच कर रहा है तो यहाँ पे बोल देते हैं हम एल पॉइंट। तो याद रखिएगा ये के से पी और पी से एल,
ये के से पी और पी से एल ही हमारा कहलाता है, जितने देर में जो है आपका गियर जो है वो कांटेक्ट में रहेगा। तो के से कांटेक्ट बनना शुरू होगा, पी पे पिच पॉइंट आएगा और एल तक ये कांटेक्ट जो है वो अलग हो जाएगा। तो के से पी, पी से एल, तो दैट्स वाई दैट के एल इज कॉल्ड पाथ ऑफ कांटेक्ट। इसको हम बोलते हैं पाथ ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। तो उसके समझने के लिए आपको एक दो चीज़ें और याद रखिएगा कि ये पाथ ऑफ कांटेक्ट में ये था हमारा पिच सर्कल रेडियस O2 से लेके P तक, ऐसे ही O2 से लेके याद रखिए K तक जो है हमारा वो क्या है, डिजेंडम सर्कल रेडियस। और यहाँ से लेके अगर हम बात करें यहाँ तक हमारा इसका अडेंडम कहाँ है, यहाँ तक, तो ये हमारा कहलाता है अडेंडम सर्कल रेडियस ऑफ, ठीक है ना। तो यहाँ से बोलो या L तक, L से ज्वाइन कर देते हैं हम O से लेके L तक, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अडेंडम सर्कल रेडियस। तो पिच सर्कल रेडियस, अडेंडम सर्कल रेडियस, ठीक है ना। और ऐसे ही सेम यहाँ से हम K को जोड़ दें, पिच सर्कल रेडियस ये था, K को जोड़ दें यहाँ तक, तो ये हमारा अडेंडम सर्कल रेडियस कहलाएगा बड़े वाले का। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इसको मैं ब्लू ही कर देता हूँ, ये दो रेडियस आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि कितने कितने होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से हम फॉर्मूला भी लिखते हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट का। तो वी हैव अ फॉर्मूला लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो याद रखिए कंप्लीट लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के एल होता है, जिसमें के पी, के पी प्लस पी एल होता है। पी हमारा क्या है, पिच पॉइंट है। तो याद रखिए पिच पॉइंट से पहले और पिच पॉइंट से अलग कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये होता है लेंथ ऑफ एंगेजमेंट, या इसको हम बोल देते हैं लेंथ ऑफ अप्रोच प्लस लेंथ ऑफ रिसेस। रिसेस मतलब अलग होना। तो लेंथ ऑफ अप्रोच जहाँ पे वो एक दूसरे से एक साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमारा लेंथ ऑफ रिसेस। तो इन दोनों को मिला के बनता है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एंगल होता है हमारा प्रेशर एंगल। प्रेशर एंगल हम कॉमन टेंजेंट से भी दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए दिस इज द प्रेशर एंगल, सेंटर लाइन और कॉमन नॉर्मल के बीच में, सेंटर लाइन और कॉमन नॉर्मल के बीच में प्रेशर एंगल। तो यहाँ पे याद रखिए लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो फाइनली क्या फॉर्मूला रहता है, तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे अगर हम बोलें तो दैट फॉर्मूला इज आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। ये क्या है, अडेंडम सर्कल रेडियस बड़े वाले का माइनस बड़े वाले का पिच सर्कल रेडियस कॉस स्क्वायर फाई प्लस अंडर रूट आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वह छोटे वाले के लिए सेम ऐसे ही छोटे वाले गियर के लिए कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है ना, माइनस, अब दोनों को ऐड करके लिख रहा हूँ मैं, माइनस आर प्लस आर साइन फाई, क्योंकि एक एक साइन फाई कंपोनेंट भी दोनों के साथ आता है। मतलब इसका एक साइन फाई कंपोनेंट कैपिटल वाला कैपिटल के साथ लिख दो, इसका एक साइन फाई कंपोनेंट स्मॉल वाला स्मॉल के साथ लिख दो, तो वो फिर पूरा पूरा पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट और पाथ ऑफ रेसेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपको फॉर्मूला जो है वो याद रखना होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा, क्लियर है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम दूसरी चीज़ निकालते हैं, जैसे हमने लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट लिखा ऐसे ही सेम हम निकालते हैं आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये तो हम स्ट्रेट लाइन में मेजर कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में तो आर्क होगा ना। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अगर आप निकालेंगे तो याद रखिए आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट इज जस्ट लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइड बाय कॉस फाई। तो यही फॉर्मूला जो होगा के एल का अपॉन कॉस फाई हम लोग कर लेंगे, और अगर अलग अलग लिखना चाहते हैं तो के पी अपॉन कॉस फाई प्लस के एल अपॉन के पी प्लस पी एल अपॉन कॉस फाई भी कर सकते हैं। ऐसे ही सेम यहाँ आता है थर्ड चीज़, ये पहली हमने लिखी सेकेंड वन, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट रेशियो। कॉन्टैक्ट रेशियो जैसे हमने कहा था कि कितने गियर आपस में कॉन्टैक्ट में रहेंगे मीटिंग के दौरान, तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो भी आर्क ऑफ, ये सब एक के बाद एक निकलती है बच्चों न्यूमेरिकल में, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइड बाय सर्कुलर पिच। अब ये डिपेंड करेगा सर्कुलर पिच पे। सर्कुलर पिच मतलब क्या, सर्कुलर पिच क्या था, टूथ स्पेस प्लस टूथ थिकनेस, है ना। सर्कुलर पिच क्या था, टूथ स्पेस प्लस टूथ थिकनेस। तो ये मैंने आपको लिखा रखा है, तो इन दोनों के स्पेस के बीच में कितना आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ये डिपेंड करेगा हमारा सर्कुलर पिच पे। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइड बाय पी सी, पी सी वही है आपका पाई एम, पाई डी बाई टी भी आप कह सकते हैं। तो ये फॉर्मूले जो हैं वो डायरेक्टली आप यहाँ पे से याद रख सकते हैं। अब एक और डेरिवेशन हमारा यहाँ होता है, डेरिवेशन तो मैं नहीं करा रहा हूँ, सिंपल रिलेशन को देख लो, ये बहुत कम पूछा जाता है, पूछा जाता है
टू फाइंड आउट, जैसे हमने बोला था कि कम से कम इतने टीथ आपको रखने हैं, तो टू फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन, दोनों में पूछ सकता है पिनियन में भी और व्हील में भी, इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस, टू अवॉइड इंटरफेरेंस। तो किसी एक का फॉर्मूला भी याद रखोगे तो दोनों याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी देखते हैं, एक जैसे ही है, ठीक है, सेम ऐसे ही। यहाँ पे मैं बोलूँ मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। तो ये दो फॉर्मूले भी आप लिख सकते हैं, ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये भी दूसरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंटली याद रख सकते हैं। तो देखिए, पिनियन के बोल रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको दोनों में एक रिलेशन समझना होगा, गियर रेशियो। गियर रेशियो हम लोग बोलते हैं जी को, जी, जी होता है टीथ ऑन व्हील टू टीथ ऑन पिनियन, ठीक है, दैट इज टी बाय टी, ठीक है, जिसका मतलब होता है आर बाय आर, ठीक है। तो टी बाय टी, टीथ ऑफ व्हील टू टीथ ऑफ पिनियन, ये तो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ अगर हम निकाल रहे हैं पिनियन में, तो याद रखिए ट्वाइस ऑफ अडेंडम ऑफ पिनियन, ये पिनियन का अडेंडम है, डिवाइड बाय, तो यहाँ पे याद रखिएगा मिनिमम नंबर ऑफ टीथ आप इसके भी और इसके भी, दोनों में सिमिलर इसलिए लिखा रहा हूँ मैं क्योंकि याद रखने का तरीका भी आसान होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ आपको वहाँ भी निकालने हैं और यहाँ भी निकालने हैं, तो दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है, एक तरफ आप अडेंडम ऑफ पिनियन ले लेंगे तो एक तरफ आप अडेंडम ऑफ व्हील ले लेंगे, ठीक है ना। अब फॉर्मूला मेन याद रखिएगा, सिंपल है, अंडर रूट वन प्लस जी, जी प्लस टू साइन स्क्वायर फाइव, बस इतना याद रखना है कि इतना तो अंडर रूट में आता है, माइनस वन बाहर आता है, ठीक है। और जब आप यहाँ पे इसी फॉर्मूले में आएंगे तो देखिए सिर्फ इतना सा चेंज करना है आपको कि गियर रेशियो को उल्टा कर देना, मतलब रेसिप्रोकल कर देना है। तो वन प्लस वन अपॉन जी, डेरिवेशन करते हैं पूरा, तो ऐसा नहीं कि कहाँ से आया क्या आया, पूरा डेरिवेशन है सिंपल, साइन स्क्वायर फाइव माइनस वन, बस इतना चेंजेस आएगा, बस अंडर रूट का ध्यान रखिएगा, पूरे में अंडर रूट मत लगा दीजिएगा, माइनस वन को जो है वो अंडर रूट से आपको बाहर रखना है। तो इतना ध्यान रखेंगे तो कोई भी समस्या नहीं आएगी इसको करने में, क्लियर है, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला कभी कभी और पूछा जाता है, उसको भी मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, ऑन पिनियन, इन ऑन पिनियन फॉर इन्वोल्यूट रैक, फॉर इन्वोल्यूट रैक इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस, ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस, ठीक है ना। तो एक आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि रैक एंड पिनियन में, रैक एंड पिनियन में भी अगर आप पिनियन के नंबर ऑफ टीथ निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है। तो सिंपल याद रखिए, यहाँ पे आएगा रैंडम ऑफ रैक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कई बार गलती कर देते हैं कि अगर हम रैक एंड पिनियन की बात कर रहे हैं तो रैक एंड पिनियन में जब हम मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन निकालें तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अडेंडम ऑफ रैक हम लोग लिखेंगे और उसके बाद दैट इज अपॉन साइन स्क्वायर फाइव, जस्ट साइन स्क्वायर फाइव, ये सिंपली आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला पेपर में पूछा जा चुका है, छोटा भी है तो फॉर्मूला जो है वो पेपर में पूछा जा चुका है, बेसिक सा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल पे दिखा रहा हूँ यहाँ पे एक रैक एंड पिनियन का अरेंजमेंट, उतना बढ़िया तो नहीं बनाया डायग्राम लेकिन एक हल्का समझने के लिए। अब जैसे ये पिनियन है तो ये पिनियन है, ये पिनियन का पिच सर्कल है, ये रैक है तो रैक का पिच सर्कल ऐसा स्ट्रेट ही आएगा, तो दोनों यहाँ पे कहीं टच कर रहे हैं, दैट इज ये पिच पॉइंट। तो ऐसे ही ये इससे पहले कहीं इंगेज होगा तो वो के पॉइंट होगा, इसके आगे ये जाएगा तो एल होगा, तो ये पिच पॉइंट है। तो पिच पॉइंट से सीधा स्ट्रेट जो भी वैसे अगला पॉइंट होगा, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है लेकिन जो भी अगला पॉइंट होगा वहाँ से अगर मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचूँगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे जहाँ पे भी इन सर्कल का कॉमन नॉर्मल होगा, ठीक है ना, ये जो कॉमन नॉर्मल बना रहा होगा इसके साथ, तो इस तरह से समझ लीजिए ये सेंटर डिस्टेंस होगा इसका, तो सेंटर डिस्टेंस और कॉमन नॉर्मल के बीच में फाई होगा, वैसे ही फाई जो है वो यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे हमें दिखाई देगा, तो ये हमारा फाई होता है। तो इस तरह से ये मिनिमम नंबर ऑफ टीथ के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, तीनों ही केस के मैंने यहाँ पे बना दिए। अब इसके अलावा जो गियर में है वो एक्स्ट्रा चीज़ें और क्या पूछ सकता है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे हमारे पास कोर्स में तो सिर्फ यहाँ इन्वॉल्यूट तक ही रहता है लेकिन कभी कभी हमें हेलिकल गियर हमारे कोर्स में नहीं रहता लेकिन एक छोटी सी चीज़ पूछ लेता है, तो वो भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बता दूँ कि जब भी हम किसी हेलिकल गियर की बात करते हैं, बहुत छोटी सी बात है लेकिन पूछा
पेपर में कई बार है उसने, इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम। तो जैसे हेलिकल गियर की बात करें तो हेलिकल गियर का कुछ इस तरह का गियर हुआ। तो डायग्राम को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिल जाएगा आपको। इस तरह का हुआ और मान लीजिए ये इसकी सेंटर लाइन है, ये मैं हेलिकल गियर की मान लीजिए सेंटर लाइन को ड्रॉ करूँ, ये हेलिकल गियर की सेंटर लाइन है। अब गियर जो कटा होगा हेलिकल वो कुछ इस तरह का होगा। अब मैं हेलिकल गियर बोलूँ तो हेलिकल मान लीजिए कुछ इस तरह का गियर कटा हुआ है ऐसा, कुछ इस तरह से टीथ है। कुछ इस तरह का है। तो अब आपको पता है, देखो बेसिक बेसिक चीज़ देखो, ये है सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। सेंटर डिस्टेंस से यहाँ तक का जो थ्रेड है, सेंटर डिस्टेंस से ये जो थ्रेड है इसका अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस बोलूँ तो यहाँ से ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, वो है हमारा पिच, आपका सर्कुलर पिच के बराबर, ठीक है। तो मेरे डायग्राम से कन्फ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि शाफ्ट के रेडियस के बराबर की बात करो मैं। आप शाफ्ट तो बड़ी भी हो सकती है, थ्रेड तो ज़्यादा भी कटे हो सकते हैं ना, शाफ्ट तो ऐसे बड़ी भी हो सकती है। शाफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, शाफ्ट के उससे कोई मतलब नहीं है, ये अब समझो, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो शाफ्ट से कन्फ्यूज़ मत होना, शाफ्ट में थोड़ी बड़ी ले लेता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूज़न किसी भी तरह का ना हो। बस एक छोटी सी बात को समझिएगा, क्योंकि अभी तक हम समझते नहीं हैं तो इस चीज़ को हम रट के बैठ जाते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है। देखिए अब ये जो थ्रेड में हम स्ट्रेट डिस्टेंस देखेंगे, इसको हम सर्कुलर पिच बोलते हैं PC, और जब इसका नॉर्मल मतलब अलॉन्ग द नॉर्मल हम लोग देखें तो यही डिस्टेंस जो है अलॉन्ग द नॉर्मल, जब हम ऐसे देख रहे हैं, मैं मार्क कर दूं, जब हम ऐसे देख रहे हैं नॉर्मल के अलॉन्ग, तो यही कहलाता है PN, दैट इज कॉल्ड PN नॉर्मल पिच, ठीक है ना। और यहाँ से ये एंगल कितना है, हेलिक्स एंगल अल्फा। तो अब आप खुद ही देखिए, ये हेलिक्स एंगल अल्फा है, इसका वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो PC है, और इसका जो है हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ले रहे हैं वो आपका, ये समझ लीजिए दैट इज, इसको हम लोग कह सकते हैं, या तो सीधा ऐसे समझें, अल्फा इज दी हेलिक्स एंगल। तो आपसे सिंपल पूछाता है सर्कुलर पिच और ये नॉर्मल पिच जो है इसके बीच का जो है रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये सिंपल होता है PC इज इक्वल्स टू PN अपॉन कॉस अल्फा। तो जो हम सर्कुलर पिच पुट करते हैं वो सिंपल, या नॉर्मल पिच कहीं पुट करते हैं तो वहाँ पे अभी तक हमारा नॉर्मल पिच और PC जो है हमारे इन्वोल्यूट स्पर गियर में एक ही था, लेकिन यहाँ पे हमें रखना है कि नॉर्मल पिच को कहीं भी पुट करना है तो वो PC कॉस अल्फा पुट होगा, ठीक है ना। तो इसमें एक दो चीज़ों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे हमने नॉर्मल पिच बोला ऐसे याद रखेगा, इस PC को हम एक्सियल पिच भी बोलते हैं, जिसको हमने सर्कुलर पिच बोला, क्योंकि अलोंग द एक्सिस मेजर हो रही है ना, ये अलोंग द एक्सिस मेजर हो रही है अलोंग द नॉर्मल, तो अलोंग द नॉर्मल जो है उसे नॉर्मल पिच बोलेंगे, और अलोंग द एक्सिस जो है उसे सर्कुलर पिच और एक्सियल पिच भी बोलते हैं, ठीक है ना। और जैसा हमारा हेलिक्स एंगल है, ऑल्सो नोन एज इसको हम लोग, जैसे हमारा ये हेलिक्स एंगल था ऐसे ही हम लोग इसे स्पायरल एंगल भी बोलते हैं। तो पेपर में इस तरह का कोई भी रिलेशन आपको पूछा जाता है तो आराम से आप आंसर कर लें, कोई भी कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा हेलिक्स एंगल में अभी तक जो चीज़ें पूछी गई हैं वहाँ तक मैंने आपको टोटल बता दिया। तो ये था हमारा कंप्लीट गियर टर्मिनोलॉजी, गियर को लेकर लेक्चर। तो टू थ्रेड गियरिंग में आपको क्या क्या चीज़ ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है ये मैंने आपको कंप्लीट बता दी है। इसके बाद हम लोग एक लेक्चर में पूरा गियर ट्रेन कवर कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।